हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है इलनम के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता हो कि आपके बेनिफिट के लिए हम लोग एक जॉब सीरीज शुरू कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं, और उसी के अंडरगत आज एक नए जॉब की बात कर रहे हैं। ये जॉब बेस नहीं, बेसिकली एक इंटर्नशिप पोजिशन है जो लोग बेसिकली बीटेक और एमएससी कर रहे हैं, जो कर चुके हैं उनके लिए नहीं, जो बीटेक और एमएससी करंटली परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप पोजीशन है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ये पुणे में लोकेटेड है। ठीक है, जो पोस्ट का नाम है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इंटर्नशिप ऑन SRB प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कि जो कैंडिडेट्स जो रिक्वायरमेंट्स पूरी फुलफिल करेंगे, इसेंशियल और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एक ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। तो सिलेक्शन कैसे होगा? एक ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू होगा, आपको कैंपस में नहीं जाना पड़ेगा। और जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी लिस्ट जो है वेबसाइट पर सितंबर के मंथ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पहले पोस्ट का नाम बताया, पोस्ट का नाम है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इंटर्नशिप, इसमें वन वैकेंसी है। प्रोजेक्ट का नाम है न्यूरो फिजियोलॉजिकल पाथवे ऑफ एमेसिस इन डॉर्सोफिला। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या है? स्टूडेंट इन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग मतलब बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट साइंस मतलब एमएससी। मतलब एक बार फिर बता दूं कि जो स्टूडेंट बीटेक और एमएससी परस्यू कर रहे हैं वही एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप के लिए, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और कुछ अपने कोर्स वर्क में जेनेटिक्स पढ़ा हो, मतलब आपके कोर्स वर्क में जेनेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हो। जरूरी नहीं कि आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उन्होंने बोला है कि जेनेटिक्स आपके कोर्स वर्क में हो। ठीक है, प्रोजेक्ट टेन्योर, प्रोजेक्ट 2 मंथ्स के लिए होगा और टोटल मंथली इन्वॉलमेंट्स कितने होंगे? 5,000 पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगी। प्रोजेक्ट 2 मंथ्स का होगा, 5,000 पर मंथ आपको पेमेंट की जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं एज की। एज आपकी 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पे, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है? 22 सितंबर 2021, मतलब इस डेट पे आपकी जो एज है वो 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार समरी फॉर्म बता देता हूँ। ये एक ट्रेनिंग इंटर्नशिप पोजिशन है, प्रोजेक्ट का नाम ये रहा। जो लोग बीटेक और एमएससी परस्यू कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रेनी पोजीशन है, और साथ ही साथ ये 2 मंथ के लिए प्रोजेक्ट रहेगा, 5,000 पर मंथ आपको पेमेंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करना है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे वो ये जो PDF नीचे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, इस PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके साथ ही साथ आपकी सेल्फ अटेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट। अब इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, सेल्फ अटेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि अपने ओरिजिनल पे ही साइन करके अपलोड करना है कि कैसे करना है। तो इसका सब सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपी लीजिए, उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन करिए, डेट डालिए और उसको स्कैन कर लीजिए। आपको ओरिजिनल डिग्री पर साइन नहीं करना है, आप उसकी फ़ोटो कॉपी लीजिए, उस पर साइन करिए और एट ए सेल्फ असिस्टेड डेस्क लिख के अपलोड कर दीजिए। तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म और अपने सारी डिग्री सर्टिफिकेट और कोई आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके साथ इस ईमेल एड्रेस पे मेल करना है। ठीक है, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 22 सितंबर 2021। ठीक है, उन्होंने जैसे अब डॉक्यूमेंट्स डिटेल क्या क्या मांगा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर सेल्फ अटेस्टेड स्कैन सर्टिफिकेट, वही जैसे मैंने बताया, आपको आपके ओरिजिनल्स की फ़ोटो कॉपी लेनी है, उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, साइन करना और डेट, फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। तो डेट ऑफ बर्थ, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जो जो आपने एग्ज़ाम पास किए हैं, और कोई आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो इफ एनी। ठीक है, और जो एस टी OBC कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वही बात है कि अगर आपके कोई भी सर्टिफिकेट में कोई मतलब कोई सर्टिफिकेट आपका गड़बड़ गड़बड़ हुआ तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
ठीक है। और कैंडिडेट शुड बी एबल टू अरेंज फॉर ओन अकोमोडेशन इन पुणे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। मतलब इन्होंने बोला कि जब जब ट्रेनिंग पीरियड होगी तो आप उन वो कोई अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको अकोमोडेशन खुद अरेंज करना पड़ेगा। एनसीएस कोई अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको अकोमोडेशन खुद अरेंज करना पड़ेगा। और एक और बात बोली कि जो ऊपर की पोजीशन होगी टेम्प्रोरी होगी, ये आप कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है, लिमिटेड पीरियड के लिए है, और इसे किसी भी समय पे टर्मिनेट किया जा सकेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म रहा। तो एक बार फिर मैं समरी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये एक ट्रेनिंग पोजिशन इंटर्नशिप पोजिशन है जो बीटेक और एमएससी इस वक्त परस्यू कर रहे हैं, जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए नहीं है। ये एनसीएस पुणे में पोजिशन है, तो इसके लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म के साथ साथ आपको अपनी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इस ईमेल पे मेल करनी है। लास्ट डेट है 22 सितंबर। ठीक है, तो इससे आपकी कोई भी क्वेरीज अगर रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर पोस्ट करिएगा। साथ ही साथ और भी जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स और पीएचडी अपडेट्स के लिए बने लिए रहिए हमारे साथ। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।